कोरोना की दूसरी लहर की मार झेल रहा है और आने वाली तीसरी लहर से निपटने की तैयारी कर रहा है। देश में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जल्द से जल्द सभी लोगों को वैक्सीन लग जाए और इसीलिए कह दिया गया सरकार की तरफ से कि 1 मई से सभी 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन सबको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर वैक्सीनेशन सेंटर पर जाना होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो खेला शुरू होता है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ये है इंडिया। हमारे इंडिया में बड़ी विडंबना है कि यहाँ अगर कोई कुछ अच्छा करना चाहे तो उससे पहले उसे बिगाड़ने वाले लोग सामने आ जाते हैं और अफसरशाही आंखें मूंद कर सो जाती है। एक एक करके सच्चाई आपको बताएंगे, चौंकिएगा नहीं, क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए ये लंबी कतार देश में लगी, आज उसी का सच हम आपको दिखाएंगे। सर, बस यही कहना चाहूंगा कि अब आम आदमी किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराए और किस उस पर वेबसाइट पर भरोसा करे, तो उसमें उसको उसके साथ अगर ठगी हो जाती है इस कोरोना काल में और लॉकडाउन में, तो वो उसको कैसे बर्दाश्त करेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट को कोई गाइडलाइन जारी करनी चाहिए और वेबसाइट के बारे में जानकारी देनी चाहिए कि किस वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीनेशन की सुविधा लें। तो इस पर जो ऑनलाइन तो खैर भरोसा नहीं किया जा सकता, जैसे जन सुविधा केंद्र बना रखे हैं तो इन्हीं के जरिए रजिस्ट्रेशन करा के ही इस पर जो ये सुविधा का लाभ मिलना चाहिए लोगों। डेटा चोरी करने वालों की तो हमारे देश में काफी लंबी फहरिस्त है और कोई कमी नहीं है। हैकर्स आपका पर्सनल डेटा कैसे और कब चुरा लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि वैक्सीन लगने में हैकर्स की बात कहां से आ गई, तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन और आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सरकार की तरफ से कह दिया गया, लेकिन 28 अप्रैल से जैसे ही शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, वेबसाइट ही हैंग हो गई और लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। लिहाजा आज तक कुछ लोग ऐसे हैं जो स्लॉट ढूंढते हैं लेकिन उन्हें स्लॉट नहीं मिल पाता और लिहाजा वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते। चलिए पहले आपको वेबसाइट पर जाकर समझाते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत क्या आ रही है। वैक्सीन के लिए अगर आपको बुकिंग करनी है तो सबसे पहले आप कोविन ऐप खोलेंगे तो आपको वहां पे दिखेगा सर्च बाय पिन या फिर सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट। जब आप अपने इलाके का पिन कोड या फिर डिस्ट्रिक्ट डालेंगे तो आपके इलाके के आसपास के सेंटर्स दिखने लगेंगे, लेकिन अक्सर जो देखा जा रहा है जो कोविन ऐप पे हो रहा है वो आप अभी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि हमेशा स्लॉट जो है बुक 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 लिखे हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि लोग परेशान रहते हैं कि स्लॉट्स हमेशा बुक नजर आते हैं, लेकिन जब भी वो अपने लिए स्लॉट बुक करने के लिए आते हैं तो स्लॉट हमेशा बुक नजर आते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि उन्हें कब स्लॉट खाली मिलेंगे और ये सब होता है हैकर्स की वजह से, क्योंकि वो पहले से ही घात लगाए बैठे होते हैं, उन्हें पहले से ही जानकारी अलर्ट मिल जाता है कि आप स्लॉट खुलेंगे, तो पहले से ही उस पर बुकिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को ये स्लॉट हमेशा बुक ही नजर आते हैं। मामले बहुत देखने में आ रहे हैं कि साइबर क्राइम भी होने लगा है इन वेबसाइट के थ्रू और जनता को इस कोरोना काल में और अत्यधिक हानि हो रही है। इसके लिए सरकार को कदम उठाने होंगे और अपनी वेबसाइट पे कुछ प्राइवेसी रूल्स लगाने होंगे और सरकार को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिसके लिए जनता के जो डाटा है वो कॉन्फिडेंशियल हो जाए और ये साइबर क्राइम का जो चल रहा है आजकल माहौल, इस पर थोड़ा अंकुश लग जाए। तो देखा आपने कि कैसे हमेशा स्लॉट बुक ही दिखाता है। हालांकि इस बीच वैक्सीनेशन से जुड़ी कई फर्जी वेबसाइट और ऐप भी आ गए हैं जिससे लोगों का पर्सनल डेटा हैक किया जा रहा है। पिछले दिनों पुलिस ने लोगों को आगाह किया कि कोविड वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए एक फर्जी वेबसाइट का लिंक भेजकर लोगों से ठगी की जा रही थी। ये लिंक भारत सरकार की कोविन ऐप की तरह दिखने वाली एक फर्जी वेबसाइट का लिंक था। ऐसी कई घटनाएं हुई और लोगों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर 3-4 लाख रुपए की ठगी की गई। वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन और शेड्यूलिंग में लोगों की होने वाली दिक्कतों का फायदा उठाकर ठग फर्जी लिंक भेजते थे और ठगी की घटनाओं को अंजाम दे देते थे। दिल्ली पुलिस ने ऐसी फर्जी वेबसाइट बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। जी, अप्लाई कर रहे हैं लेकिन कोई साइट अच्छी नहीं मिल पा रही है जो गवर्नमेंट के
मोहर के खिलाफ हमें जो साइड मिल जाए कि प्रॉपर सही है और हम वैक्सीनेशन के लिए रेडी हो जाएं। डर भी लग रहा है हमें बहुत, आजकल बहुत ज़्यादा कोरोना काल के चक्कर में फर्जी जो है ना, ये लोग फर्जी वेबसाइट बना रहे हैं वैक्सीनेशन की, तो इसलिए डर लग रहा है, कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन करवा दो। कोरोना जैसी महामारी को भी अब लोगों ने अवसर में बदलना तब्दील कर दिया है। आपको बता दें, सरकार और सिस्टम लगातार कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीनेशन की बात कर रहा है, अवेयर कर रहा है, लेकिन जिस वैक्सीनेशन को कराने के लिए, जिस वैक्सीन को लगवाने के लिए लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, अब वहाँ भी फर्जीवाड़ा और ठगी शुरू हो गई है। आपको बता दें, जो क्राइम करने वाले लोग हैं, जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं, अब उन लोगों ने उस वेबसाइट के तरीके से एक वेबसाइट बनाई है और उसी के माध्यम से वेबसाइट पर जब रजिस्ट्रेशन होता है तो ठगी कर ली जाती है। इस तरह के मामले की जो खुलासा है दिल्ली पुलिस ने कर दिया है, दो लोगों को हिरासत में लिया है। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि आखिर इस कोरोना महामारी के दौर में भी किस तरीके से लोग इस महामारी में भी अवसर तलाश रहे हैं और लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। हालांकि अब देखना यह भी होगा कि जो पुलिस है इस समस्या से, इस तरह के जो अपराध करने वाले लोग हैं, उनसे कैसे निपटती है और कैसे ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। लेकिन स्लॉट बुक हो कैसे रहे हैं, इसकी वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल जिन स्लॉट को बुक करने के लिए लोग इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, उन्हें हैकर्स चुरा रहे हैं और बड़े ही शातिराना तरह से ये हैकर्स अपना काम करते हैं और लोगों को लगता है कि शायद उन्हें अभी भी हो सकता है बाद में स्लॉट मिल जाए, लेकिन हैकर्स अपने तंत्र से लोगों को मिलने वाला स्लॉट गायब कर रहे हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि हैकर्स बैकडोर से स्लॉट बुक कर लेते हैं और जैसे ही स्लॉट खुलता है, हैकर्स उसे चुरा लेते हैं और बुक करने वाले इंसानों को वो स्लॉट बुक होता हुआ दिखने लगता है। दरअसल एक प्रोग्राम और स्क्रिप्टिंग के जरिए स्लॉट चुराया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हो कैसे रहा है, तो इसके पीछे API यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। चलिए पहले आपको यही बताते हैं कि API होता क्या है और ये कैसे काम करता है। API की बात करें तो API एक बीच का सिस्टम है, यानी कि हम अगर अपने फोन में या फिर कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन चलाते हैं तो जब एप्लीकेशन इंटरनेट से जुड़ता है या उसके कनेक्शन में आता है तो वो एक सर्वर पर डेटा भेजता है। सर्वर पर उस डेटा को प्राप्त करता है, इस पर क्रिया करता है, जो काम आप चाहते हो वो करता है और फिर उस डेटा को आपके फोन पर या आपके कंप्यूटर पर वापस भेजता है। ये सभी काम एक API के माध्यम से होता है। अब जो कोविन पर स्लॉट बुक हो रहे हैं वो हैकर्स इस API की बदौलत ही कर रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए मुमकिन है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन का API खुद सार्वजनिक कर रखा है ताकि थर्ड पार्टी इसका लाभ उठाकर स्लॉट की जानकारी लोगों तक पहुंचा सके, इसीलिए हैकर्स को और ज्यादा आसानी हो गई। यानी सरकार ने एक अच्छी पहल कर API शेयर किया था, लेकिन घात लगाए बैठे हैकर्स ने इसे भी नहीं छोड़ा। ऐसे महामारी के समय में भी लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, फिर चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर कालाबाजारी हो या फिर रेमडेसिविर पर, हर तरफ से लोगों को चूना लगाया जा रहा है। एक तरफ तो सरकार ने अब ड्राइव इन वैक्सीनेशन भी शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ हैकर्स ऐसे में भी बाज नहीं आ रहे हैं। ये है इंडिया में आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।